अभिनंदन 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 एक बार फिर से फ्राइडे फिएस्टा एट 7 PM पावर्ड बाय मैजिक ऑफ फ्लेवर्स बाय राजेश तारा के इस नए एपिसोड में आप सबका हम अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। बड़ी खुशी होती है जब एक कोई छोटी सी चीज, जब चारों तरफ मायूसी हो, आपने शुरू की हो और उसको आप लोगों का सहयोग मिलना शुरू हो जाए और ये मैसेज आने शुरू हो जाए कि इस कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ी तो आशा की किरण हम लोगों के मनों में जाग रही है कि फिर सब कुछ ठीक होगा। मुझे बहुत खुशी हुई पिछले हफ्ते जब मेरे कुछ दोस्तों ने दुबई से मेरे को संदेश भेजा कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। दो दोस्तों ने लॉस एंजलिस से संदेश भेजा कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। तो माने ये कार्यक्रम देश और कुछ विदेश के दोस्तों में भी सराहा जा रहा है और हम धीरे धीरे करके हर कार्यक्रम में कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए ये रोचक बन सके, कुछ जानकारी आपको दे सके। आज का कार्यक्रम भी हमारे लिए एक बहुत विशेष कार्यक्रम है और विशेष कई किस्म से है। स्पेशल क्यों है ये तो मैं कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा, लेकिन जो उससे भी बड़ी स्पेशल चीज है वो ये है कि जैसा कि हमने बताया था, आज हमारे बीच में जो हस्ती यहाँ हमसे आज जुड़ने वाली हैं, जो हमसे बातचीत करेंगी, मेरे को ये कहते हुए बहुत फख्र हो रहा है कि इससे पहले कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ, मुझे वो मशहूर शायर निदा फाजली साहब का एक शेर याद आ रहा है जो उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। निदा फाजली साहब ने कहा कि कोशिश भी कर और उम्मीद भी रख, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन और उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। तो जी हाँ, मेरी मुराद है कलकत्ता से, जिनको हम मोमो क्वीन के नाम से जानते हैं, एक एकम्पलिश शेफ हैं, रेस्टोरेंटियर हैं, डोमा वोंग। ये शेर उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षेत्र गोरखालैंड में एक शहर है कैलिम्पोंग, वहां से आकर एक सपना आंख में लेकर जब कलकत्ता में आई तो उनके दिमाग में बड़ा क्लियर था कि मेरे को कोशिश करनी है। बहुत उम्मीद लेकर आई थी और रास्ता भी अपना चुना कि मुझे अपना नाम बनाना है इस खाने की दुनिया में, इस रेस्टोरेंट की दुनिया में। और फिर उनको मुकद्दर तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुकद्दर ने उनको तलाशा। आज डोमा वांग ना केवल कलकत्ता में, ना केवल पश्चिम बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में एक नाम है, मोमो क्वीन के नाम से जानी जाती हैं। और मुझे फख्र है कि मेरी दोस्त हैं, पिछले सप्ताह जब मैंने उनसे अनुरोध किया उन्होंने तुरंत हाँ किया कि मैं ज़रूर आऊँगी और बातचीत करूँगी लोगों से। तो इससे पहले कि मैं डोमा वांग को आप लोगों के बीच में लेके आऊँ, मैं एक छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूँ कि डोमा का जीवन में क्या कुछ रहा है। तो उसके बाद डोमा हमारे बीच में आएंगी, तो लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूं डोमा वांग की एक झलक। तो ये थी डोमा वांग। आपने देखा होगा इसमें कुछ झलक दिल्ली की भी है। इसमें एक झलक है जिसमें वो अपनी बेटियों के साथ हैं, उनकी दो बेटियां हैं, और सचिको जो इनके साथ इनका रेस्टोरेंट ब्लू पॉपी थकाली है सिक्किम हाउस में कैलकटा में वो चलाती हैं, वो भी एक एकम्प्लिश शेफ हैं। इनकी छोटी बेटी सोनम, मैं उनको हमेशा से मानता था कि वो मॉडल हैं, वो मेकअप आर्टिस्ट हैं और बेकर भी, अपना एक वेंचर चलाती हैं। तो मतलब एक कामयाब मदर की बहुत कामयाब डॉटर्स हैं।
और डोमा वोंग अब स्टेज होता तो मैं बोलता कि आपकी बहुत सारी तालियों के बीच में डोमा वोंग तशरीफ ला रही है, लेकिन अब वर्चुअल तालियों के बीच में लीजिए, ये है डोमा वोंग। डोमा, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू राजेश, थैंक यू। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे यू टुक मी ऑन दिस शो, पर पहले मैं बोलूंगी कि वो लोटन वाला फोटो देखकर मुझे लोटन के छोले बहुत याद आए। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डोमा जब 2 साल पहले दिल्ली आई थी, एक दिन रात में अचानक मेरे को व्हाट्सएप किया कि मैं कल दिल्ली आ रही हूँ और मेरे को स्ट्रीट फूड चेक करना है। तो मैं इनको लेके गया, तो एक दिन मैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड जगहों में ले गया, कनॉट प्लेस में, हालांकि वो फिर लोकल था, बट वो भोगल के छोले भटूरे इनको खिलाए और जैन चावल वाला से चावल, कड़ी चावल खिलाए। और फिर वहाँ पे हम गए नेशनल रेस्टोरेंट में, आपने तस्वीर देखी होगी, वहाँ पे इन्होंने मटन करी खाई, तो बहुत मज़ा आया। तो बोलना कि मुझे इससे भी ज़्यादा ट्रेडिशनल स्ट्रीट फूड पे जाना है। तो मैं अगले दिन सुबह सुबह 6:30-7 बजे इनको ले गया वहाँ पे लोटन, लोटन के छोले वहाँ पे छोटी सी गली के अंदर चांदनी चौक में, वहाँ पटरी में बैठकर हम दोनों ने, और ये और मिर्ची, इसमें और मिर्ची डाली, एकदम रेड करके उसको खाया। तो अभी भी कह रही है फोटो देख के याद आ गया। डोमा, जितना मैं जानता था आपके बारे में, मैंने थोड़ा बहुत बताया, आप अपने बारे में थोड़ा सा और बताएं सबको कि रेस्टोरेंट्स का भी क्या हाल है, कैसे ये भी चल रहा है। पहले हाय एवरीबॉडी, डू आई हैव टू स्पीक इन हिंदी और कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? अगर आप मिक्स बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। मेरी हिंदी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। काफियों से अच्छी है। वेल, अभी तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का हालत बहुत खराब है, बट मैं कभी मायूस होती हूँ, कभी रोती हूँ, कभी हंस के बोलती हूँ कि कल सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ झेला है जिंदगी में और थोड़ा बहुत। तो अभी तो बच्चों के सपोर्ट है और इतने सारे दोस्त हैं, आपको बहुत बहुत हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो साथ देते हैं, जो मोटिवेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। एंड आज एक अच्छी दिन है क्योंकि आज से हम लोग ने रेस्टोरेंट एज पर गवर्नमेंट रूल 5 बजे से 8 बजे खुला है। वाह वाह। और एज आई टॉक, साची को थकाली में खाना बना रही है। अच्छा, तो एटलीस्ट इट्स अ गुड स्टार्ट। मुझे लगता है कि ये एक गुड स्टार्ट है और आई एम पॉजिटिव कि सब ठीक हो जाएगा। डोमा, हम ये जानना चाहेंगे, जो आपका नेटिव प्लेस है कैलिम्पोंग, आप वहां से आए, और कैलिम्पोंग का मैंने देखा है फेसबुक, पता लगता रहता है, बात होती रहती है, आप जाते रहते हैं वहां पे। कैलिम्पोंग के बारे में, गोरखालैंड है और कैलिम्पोंग है, हिमालय का फुटहिल्स है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वहाँ का फूड का फैब्रिक कैसा है, मतलब वहाँ पे लोग किस तरह का खाना खाते हैं, क्या सिर्फ ये थोड़ा तिब्बती है या किस तरह का खाना वहाँ खाया जाता है? पहले तो मैं बता दूं कि गोरखालैंड अभी मिला नहीं है। अच्छा। ममता दी सुनेगी तो गुस्सा करेगी, मत बोलना। लेकिन हमारे वहाँ के लोग बहुत खुश होंगे आपके साथ राजेश। तो यस, मैं कैलिम्पोंग की हूँ, मेरा जन्मभूमि कैलिम्पोंग है, और मैं जैसे रोज बोलती हूँ कि मेरी कर्मभूमि कोलकाता है, मैं अपने आप को बंगाली बोलती हूँ, क्योंकि मैंने जितना टाइम कैलिम्पोंग में बिताया उससे कहीं ज्यादा टाइम मैंने कलकत्ता में बिताया है। मैं कैलिम्पोंग साल में 3-4 बार जरूर जाती हूँ, क्योंकि अपना जन्मभूमि सबको प्यारा है। Yes. एक तो वेदर वहाँ की इतनी अच्छी है कि क्या कहूँ। ऑफकोर्स, हालांकि अभी वो कैलिम्पोंग नहीं है जो था। हमारे टाइम में बहुत सेलेक्टेड रेस्टोरेंट्स थे, मुझे अभी भी याद है, संडे जब डैडी हमें मूवी देखने ले जाते थे तो वापस आते वक्त या तो पंजाबी होटल था, वहाँ पे हम आलू पराठा और चिकन खाते थे, वहां से मेरा प्यार शुरू हुआ पंजाबी खाने का। Okay. I love पराठा, मुझे पराठे हर फॉर्म में पसंद है। तो वहाँ वो जो मालिक था वो बाहर खड़ा रहता था और मुझे बोलता था आलू पराठा, मेरा नाम ही आलू पराठा। अच्छा। वो था एक, और एक चाइनीज रेस्टोरेंट था बहुत पुराना, तब वो रेस्टोरेंट का नाम था शंघाई, इट बिलोंग टू माई फादर्स फ्रेंड। Okay. वहाँ का, वहाँ पे हम लोग जाते थे और एग फ्राइड राइस और स्वीट एंड सा प्रॉन्स खाते थे या ऐसे कुछ खाते थे। तो यू नो, घर में भी ऑफकोर्स डैडी बनाते थे, लेकिन एक रेस्टोरेंट में जाके खाना एक ट्रीट, एक अलग सा यू नो मजा आता था। और उसके बाद एक फेज आया जहाँ पे
ये एजिटेशन वगैरह हो गया वहाँ पे, तो आई थिंक द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री देयर आल्सो सफर्ड. ओके, फिर अभी फिलहाल मैं देख रही हूँ, द लास्ट 10, 7, 8 years, अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स हैव कम अप, कैफेज, रेस्टोरेंट्स. बहुत खुशी होती है जब मैं वहां जाती हूँ, देखती हूँ यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग पीपल ओपनिंग रेस्टोरेंट्स, यू नो. एक जगह है मेरी फेवरेट है, उसका नाम है वेयर हाउस. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. नीचे इट्स लाइक अ क्लोज्ड रेस्टोरेंट एंड अपस्टेयर्स दे हैव अ ओपन एयर, यू नो, लाइक अ कैफे. लाइव म्यूजिक होता है वीकेंड्स में, अच्छा खाना, मोमो बोलो, बाउल्स बोलो, थुप्पा बोलो, even a bit of you know continental stuff. Bar bhi hai, bahut acha hai wo jagah. Aur uske alawa wahan pe cafes hai, my favorite being Kalimpong cafe and Art cafe. Wahan pe Art cafe is owned by my junior from school, very okay. very junior. I studied in St. Joseph's Convent Kalimpong. Wahan ki ladki hai, bahut acha ambiance hai, you know, you can sit in the open and have a cup of coffee, eat some cheesy garlic toast and stuff like that. And in Kalimpong Cafe, which is run by another young boy called Praveen, wo bhi bahut acha khana serve karta hai wahan pe. Momo, lefing, you know, the traditional food, apart from the pizzas and burgers and fries, which the youngsters of today like. So matlab Kalimpong mein bhi food jo hai, abhi traditional ke saath saath thoda modernize hota chala ja raha hai. But you get the traditional food also there. Abhi aapne bola thuppa bhi milta hai aur bao bhi milta hai. Of course. अभी फिलहाल यू नो व्हाट, इतना ये हो गया, मॉडर्न हो गया सब कुछ. हमारे टाइम में ये शंघाई था, पंजाबी होटल था, पंजाब होटल था, और छोटा छोटा रेस्टोरेंट था, फैमिली ओन्ड रेस्टोरेंट, जहाँ पे मोमो थुप्पा मिलता था, बस मोमो थुप्पा, यू नो. सो ऐसा था हमारे टाइम में. अब मैं जब बोल रही हूँ हमारे टाइम में, तो सोचना मत कि मैं बहुत ओल्ड हूँ, मैं अभी जवान हूँ. आपको ओल्ड बोलने का किसी का हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत मत करना. अच्छा, अभी कैलकटा वापस आते हैं. कैलकटा के फूड में देखो दो तीन किस्म की बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शंस हैं. एक तो वो पूरा आपका कैलकटा टिपिकल बंगाली फूड है, एक फूड है वो आपका ये चाइनीज टिबेटियन वो फूड है, एक है आपका मुगलई और अवधी. ये तीन चार किस्म के फूड वहां पे कैलकटा में बहुत क्लियर डिस्टिंक्ट वो है, और एवरीबॉडी इज पॉपुलर देयर. तो आपके साथ हम बात करेंगे, आपके फेवरेट्स की बात बाद में करेंगे. लेट्स टॉक के दो जगह हैं वहां पे, एक तो आपका टैंगड़ा, टैंगड़ा में वो छोटे 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 सब चाइनीज रेस्टोरेंट्स हैं, और एक आपका वो टटेरी बाजार है जहां सुबह के समय टिरिटी जहां पे सुबह वो चाइनीज बाजार लगता है, और वहां भी खाने का सामान, रॉ मटेरियल भी मिलता है और दूसरा खाना भी मिलता है. तो लेट्स टॉक ऑफ टैंगड़ा फर्स्ट. टेंगरा में किस तरह का खाना है, वो टिपिकल चाइनीज है कि थोड़ा इंडियनाइज हो चुका है, या थोड़ा कलकत्ता का स्टाइल का हो चुका है? जब मैं कलकत्ता आई थी 1986-87 में, तब कुछ ही गुने चुने कुछ रेस्टोरेंट थे वहां पे, जहाँ पे खाना वॉज वेरी ट्रेडिशनल होम स्टाइल चाइनीज. मुझे अभी भी याद है वो काफुलोक करके था एक, वहां पे हम लोग जाते थे, और वहां पे जैसे घर पे था, इट वॉज नॉट अ पॉश रेस्टोरेंट, घर पे देते थे एक राइस, स्टीम्ड राइस के साथ कुछ स्टीम्ड चिकन विथ वेजिटेबल्स, सम यू नो होल फ्राइड बेकी विथ स्वीट एंड सा सॉस, वैसा हम लोग घर का जैसा खाना वहाँ मिलता था. लेकिन ओवर द इयर्स पॉश, वो पहले तो टैनरीज हुआ करता था वहाँ पे, तो कुछ साल पहले वो टैनरीज सारे गवर्नमेंट ने बंद करके शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह पे, तो वो टैनरी ओनर्स ने नाइस पॉश रेस्टोरेंट्स, बड़ा वाला, एसी वाला शुरू कर दिया. एंड आई थिंक लाइक एवरी गुड बिजनेसमैन, बिजनेस पीपल, दे हैव ऑफ कोर्स केटर्ड टू द नीड्स ऑफ द लोकल पीपल. सो अ बिट आई वुड से थोड़ा थोड़ा बहुत तो इम्प्रोवाइजेशन बोलो या टर्किंग बोलो हो गया है. लेकिन अभी भी वहां पे आपके दो तीन रेस्टोरेंट कौन से फेवरेट है, और उसमें जाके क्या खाना चाहिए टांगड़ा में? Well, मेरा, मैं तो हमेशा टैंगरा जाती हूँ, तो गोल्डन जॉय में जाती हूँ. गोल्डन जॉय रेस्टोरेंट इज वेरी फेमस. वहाँ जाती हूँ, मैं फ्राइड राइस, चाउमीन वो सब नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरा वहाँ का फेवरेट है गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स. गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स, और एक सूप लेती हूँ मैं, एक गोल्डन जॉय
स्पेशल सूप, वो एक सूप थी तीनों का ढेर सारा प्रॉन्स वो हरी चटनी के साथ, आपको मालूम है मुझे कितना पसंद है हरी यू नो मिर्ची, सो डुबो डुबो कर वही खा के मैं वापस आती हूँ. ओके, सो आई थिंक दैट वहाँ टैंगरा का मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट गोल्डन जॉय है. गोल्डन जॉय है, ओके. और कोई दूसरा वहां पे रेस्टोरेंट आप किसी को रिकमेंड करो, क्योंकि हमारे यहाँ व्यूअर्स जो है ना सब ये सोचते रहते हैं कि कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ जाना चाहिए, सब नोट करते हैं. तो टैंगरा में काफुलुक अच्छा, काफुलुक अच्छा है, किम्फा अच्छा है, किमलिंग अच्छा है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, बट देन यू नो थिंग इज मैं बोलूंगी तो बोलेगा कि बोलता है, लेकिन जब जब मेरे टाइप का खाना का बात आते मुझे मेरा ही पसंद है, मैं अपनी फेवरेट हूँ जो बोलते हैं. सो ऐसा है. देखो चैट पे अनिल राज कपूर लिख रहे हैं कि मुझे आज पता लग गया डोमा को अगली बार मैं आलू पराठा ही खिलाने वाला हूँ. अरे थैंक यू. अच्छा मुझे बताइए वो दूसरी बात करें, वो जो मॉर्निंग में आपने बोला कि वो टेरिटरी बाजार में जो चाइनीज मार्केट फ्ली मार्केट सुबह लगती है उसमें क्या क्या होता है और खाने का कौन सा अच्छा है वहां पे? Well, अभी मैं फिर बोलूँ यही बोलूंगी कि जो 20 साल पहले 30 साल पहले हुआ करता था वो आपको नहीं मिलेगा. हाँ. क्योंकि ज्यादातर वहाँ के लोकल लोग कनाडा और ताइवान चले गए. मुझे अभी भी याद है जब मैं 10-12 साल की थी तो मेरे डैडी मुझे सवेरे मुझे क्या करना जब ले जाते थे तो सवेरे हाँ. मेरा हाथ पकड़ कर चेरिटी बाजार ले जाते थे. हाँ. तो वहां पे राउंड रेड राउंड टेबल्स अच्छा. लगाते थे और हम लोग वहां बैठते थे तो वहाँ पे मीट बॉल्स, वो एक फ्राइड ब्रेड आता है शू चाव बोलता है वो, एंड देन सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स के साथ कुछ अच्छा सॉफ्ट मंथाओ मींस दो स्टीम बंस वो सब मिलते थे यू नो, एंड देन स्वीट बंस, रेड टारो रेड बंस, रेड बीन बंस, टारो बंस, बहुत कुछ मिलता था वहाँ पे. तो उस टाइम सवेरे पूरा एक फेस्टिव माहौल होता था वहाँ पे. लेकिन अभी चाइनीज से ज्यादा आपको बिहारी लोग दिखाई देगा वहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम हैव माइग्रेटेड और उनके जो स्टाफ थे उन लोगों ने वो सीखा है. जो लड़का वो बेचता है वो जो मैंने बोला वो फ्राइड ब्रेड, इट्स अ डो व्हिच इज फ्राइड डीप फ्राइड, मुझे बहुत पसंद है वो बिहारी लड़का, बहुत अच्छा बनाता है. आई थिंक आई हैव टू गिव इट टू हिम, आई गो एंड ईट दैट. उसका क्या नाम है, उसका लोकेशन का उसका कुछ मालूम है? वो आप अगर टेरिटरी बाजार सवेरे जाएंगे तो एक ही इतना सा लेन है, एक छोटा हाँ. सा लेन है, आप अगर वॉक करोगे उस लेन पे आप जरूर देखोगे उसके लेफ्ट हैंड साइड में तेल हाँ. में वो छोटा छोटा मैदा का वो डाल के वो फ्राई कर रहा होगा. अच्छा, तो आप यू कांट मिस इट. ओके, तो उसके थोड़ा आगे हाँ. हाँ. उसको बोलते क्या है? हम लोग तो उसको शूथ्याओ बोलते हैं. Okay. It's a Chinese name, but you can, I think bread, fried bread boneless से हो जाएगा, I think. और उसके आगे आप कह रहे थे, उसके आगे कुछ है? उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो right side में आपको दिखेगा एक बंगाली लड़की जो Chinese मेरे से भी अच्छी बोलती है. अच्छा. She is a Bengali girl married to a Chinese gentleman whose mother used to sell those meatballs and fish balls. तो ये लड़की, उसका नाम पिंकी है. हाँ. बहुत अच्छा मीट बॉल और फिश बॉल सूप बनाती है, प्लस सुमाई, प्रॉन सुमाई एंड फिश सुमाई. तो okay. मैं जाती हूँ तो मैं पहले वो यूथियाओ लेती हूँ. हाँ. उसके बाद वो सूप लेती हूँ, फिर वो मीट बॉल सूप के बॉल में मैं वो यूथियाओ तोड़ के डालती हूँ और उसमें पूरा वो सूप मिक्स हो, यू नो इट गेट्स सो. तो एक बार वो मीट का एक बाइट लिया और एक बार वो यूथियाओ सोक्ड इन सूप लिया. अच्छा, ये मॉर्निंग में कितने बजे शुरू हो जाता है बाजार? 6 बजे से शायद 8 बजे तक. ओह, 6 to 8 इन द मॉर्निंग बस. हाँ, पहले हम लोग क्या करते थे जवानी में, देख मैं अपने अपने बदनामी कर रही हूँ, लेकिन जब जवानी में हम लोग डिस्क जाते थे तो 5 बजे तक डांस करते थे ओबेरॉय ग्रैंड में पिंक एलिफेंट में. उसके बाद 5 बजे हम लोग सीधा चैरिटी जाते थे, तब तक वो दुकान वुकान लगाते थे, हम लोग अच्छा से ब्रेकफास्ट खा के वापस हॉस्टल जाके सो जाते थे. ओके, चलिए तो अभी मैं आपको डिस्क से और ये सुबह 5 बजे वाले ब्रेकफास्ट से लेके वापस आता हूँ आपके सिक्किम हाउस में. आपने वहाँ पे ब्लू पॉपी थकाली जो बनाया, तो पहले तो ये बताओ ये ब्लू पॉपी के आगे जो वर्ड थकाली लगाया
ये थकाली का मतलब क्या है? मेरे को मालूम है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करो आप। एक्चुअली ब्लू पॉपी जब मैंने खोला था तो इट वॉज ऑल अबाउट माई फूड, मेरा पिताजी ने जो मुझे खिलाया था। तो माई डैड बींग अ चाइनीज एंड माई मदर बींग अ टिबेटन, वी एट टिबेटन एंड चाइनीज फूड एट होम। ओके, तो नेपाली फूड नहीं बनता था क्योंकि मेरे पिताजी को पसंद नहीं थे। तो नेपाली दोस्त लोग के घर में खाते थे और पसंद तो बहुत था, लेकिन मैंने कभी सीखा नहीं क्योंकि मेरा डैड ने मुझे इतना सिखाया कि और सीखने के मुझ में वो नहीं था खाना। कि मेरा डैड छोटा सी बोलता था कि तुझे अगर कुछ खाना पसंद है तो खाना बनाना सीखो। सो दैट्स हाउ आई लर्न हाउ टू कुक। तो मैंने जो मुझे जो आता था मैंने लड़कों को सिखाया और हमने वो शुरू किया। तो उसके बाद अभी जो 2 साल पहले मेरी बड़ी बेटी ने बोला, मामा हम लोग को ऐसा एक जगह बनाना है जहां पे हम लोग पूरा कालिम्पोंग दार्जिलिंग सिक्किम का एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं। और उसमें हम लोग नेपाली खाना, इफ यू डोंट ऐड नेपाली खाना देन यू कांट गेट द टोटल, यू नो, सब नहीं होगा। तो साचिको ने इंट्रोड्यूस किया, साचिको कुछ दोस्तों के घर में गया नेपाल में और सिक्किम में एंड शी लर्न हाउ टू मेक ट्रेडिशनल नेपाली खाना लाइक सेल रोटी, तिल का आलू का अचार, छोइला, ये सब सीखा। एंड देन वी एडेड एंड मेड अ ब्लू पॉपी थकाली व्हिच इज माय प्राइड टुडे। यस, मैं वहां पे 3-4 बार गया हूं और मैं अपने पहली बार आपको वही मिला था। मैं अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहता हूं कि मैं पहली बार गया वहां पे और हम लोगों ने, मैं 2-3 लोग थे मेरे साथ, मेरे कलीग हैं वहां पे कलकत्ता में, संदीप मेहरोत्रा और आलोक कुमार, हम लोग वहां थे और दोनों शो देख रहे हैं अभी आज। तो हम लोग वो वहां पे खा के और वापस निकल रहे थे और डोमा एंटर कर रही थी और हमारा एक्सीडेंटली मुलाकात हुआ और वो एक्सीडेंट जो है अभी लंबे रिश्ते में बदल गया है। और उसके बाद मैं 3-4 बार थकाली जा चुका हूँ और मैं आज बता रहा हूँ इनको, 2-3 बार इनकी एब्सेंस में गया हूँ क्योंकि मैं जाता हूँ, अगर ये होती है तो पैसे नहीं लेती है मेरे से। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ब्लू पॉपी थकाली में व्हेन वी से के नेपाली फूड है, 4-5 डिशेस बताइए कि अगर थकाली में कोई जाए तो उसको ये 3-4 डिशेस जरूर खाने चाहिए। एक ट्रेडिशनल नेपाली थाली तो खाना चाहिए, नेपाली थाली, क्योंकि क्योंकि देयर आर थिंग्स व्हिच यू वुड प्रोबब्ली नेवर गेट टू ईट इन मेनी प्लेसेस। तो अपने डिफरेंट अचार्स है, अपना फर्मेंटेड गुंद्रुक जिसको बोलते हैं, गुंद्रुक इज अ फर्मेंटेड एंड ड्राइड साग, इट कुड बी रेडिश, इट कुड बी स्पिनच, सो फर्मेंट करके उसको ड्राई करते हैं और उसको या तो झोल, यू नो दिस झोल, दाल के जगह गुंद्रुक का झोल, झोल, या तो उसको अचार के फॉर्म में उसको अच्छा से भिंगो के काट के उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, सरसों का तेल डाल के उसको एक, यू नो, अचार टाइप के बनाते हैं, तो वो एक थिंग है। फिर आप अपना नेपाली स्टाइल मूला का अचार, मूली का अचार जो होता है, वो होता है थाली में। फिर आपको एक काली दाल भी मिलेगी विच इज डिफरेंट, इट्स नॉट लाइक दी हैवी मलाई वाली काली दाल, इट्स अ वेरी सिंपल काली दाल विच हैज जस्ट घी एंड जिंजर, गार्लिक, सॉरी गार्लिक, सॉरी जिंजर, मैं जिंजर गार्लिक में कंफ्यूज हो रही हूँ। तो वो सब बहुत है। और फॉर पीपल हु ईट मीट्स देन यू नो खसी का मासु, मटन करी नेपाली स्टाइल, और कुखड़ा का मासु, चिकन करी, और पोक विथ रायका साग, वो सब ट्रेडिशनल खाना है। अपना वो भी है सेल रोटी और आलू दम, वो तो खाना ही है। सेल रोटी इज ट्रेडिशनल नेपाली ब्रेड विच इज डीप फ्राइड, तो वो सब है बिसाइड्स मेरा खाना जो तो मेरा वो तो है, मेरा नूडल्स है, थुक्पा है, मोमो है, वो सब है। अब देखिए आपने भी बोल दिया और मेरे यहाँ मेरी भाभी है वहां पे कलकत्ता में, सुनीता मेहरोत्रा, उन्होंने मेरे चैट पे लिखा है मोमोज इन कलकत्ता मींस दैट ब्लू पॉपी नोवेयर एल्स। थैंक यू सो मच। अब तो इसलिए अब ये मोमोज, तो आप तो मोमो क्वीन है, आपको टाइटल मिला है, तो अभी मोमो की बात करते हैं। उससे पहले हम लोग ना जो नॉर्मल ले मैन है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मोमोज भी बोलते हैं, डिमसम बोलते हैं, डम्पलिंग्स बोलते हैं, वॉन्टन बोलते हैं, इन तीनों चारों में फर्क क्या है? मोमो इज वेरी रस्टिक, रस्टिक इन द सेंस मोमो इज जैसे अभी जहां पे जाओ मोमो मिलता है, सस्ते में मोमो मिलता है, आपको डम्पलिंग्स, डिमसम्स सस्ते में नहीं मिलेगा। बट आई वुड से अकॉर्डिंग टू मी द मोमो इज द बेस्ट फॉर मी,
मोमो में अच्छा स्टफिंग होता है, अच्छा सा, अगर 10 खाओगे तो पेट भर जाएगा। डिमसम छोटे छोटे क्यूट क्यूट से होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, यू नो, लेकिन कितना सारा खाना पड़ेगा पेट भरने के लिए। यू नो, डिमसम बेसिकली डिमसम्स आर लिटिल स्मॉल ईट्स इन चाइनीज, ओके, स्टीम होते हैं। आप तो ट्रैवल किया है और बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उनको मालूम होगा, देयर इज दिस फेमस रेस्टोरेंट कॉल्ड दिन ताई फोंग। Din Tai Fung is all over the world. It's a Taiwanese brand. वहाँ पे जाएंगे आप तो आपको सब सर्व करेंगे छोटे छोटे वो स्टीमर्स में, बैम्बू स्टीमर्स में, और pretty pretty looking dim sums, pretty pretty bowls of little bit of soup. वो सब, you know, those are little eats, you know. So those are dim sums. Whereas momo is a hearty meal. एक bowl soup हो जाए और 10, अभी फिलहाल 10, जवानी में 20-25 खाया करते थे, और एक बोल लाल चटनी लहसुन और रोस्टेड टमाटर के साथ। वॉन्टन तो आपको मालूम, वॉन्टन इज वेरी थिन, बड़ा एकदम ट्रांसपेरेंसी उसकी फिल्म है, वेरी थिन होते हैं। जब हम बच्चे थे तो हमारा नूडल फैक्ट्री हुआ करता, माय डैड हैड अ नूडल फैक्ट्री, तो वो नूडल का मशीन में वो वॉन्टन स्किन डैडी निकालते थे, पूरा अंडा लगा के वो मैदा गूंथते थे, नॉट विथ वाटर, विथ अंडा। सो पतले पतले शीट्स निकालते थे, काटते थे छोटे छोटे, और उसमें हम लोग थोड़ा सा मीट डाल के, थोड़ा सा मीट डाल के उसको रोल करके ऐसे करते थे, और वो सूप में डालते थे। तो सूप में डालते थे एंड दैट्स वॉन्टन, और डीप फ्राई इट फॉर अ क्विक स्नैक। सो दैट्स द डिफरेंस आई वुड से। अच्छा, अब एक बताइए कि एक परफेक्ट मोमो उसका क्या पहचान है? एक परफेक्ट एक परफेक्ट मोमो, एक परफेक्ट मोमो के लिए स्किन हैज टू बी थिन फॉर मी। अगर स्किन थिक है तो मजा नहीं आएगा, मैं उसको मोमो नहीं बोलूंगी। एंड देन गेटिंग द राइट थिन थिकनेस और व्हाटएवर यू कॉल ऑफ द थिंग इज आल्सो वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अगर ज्यादा थिन हो जाएगा तो टूट जाएगा, और ज्यादा थिक हो जाएगा तो आपका मुंह में बस वो मैदा वाला फील आ जाएगा। ओके, तो ओवर द इयर्स आई हैव आई थिंक मास्टर्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग द राइट स्किन, यू नो, द राइट स्किन। और द अदर थिंग ऑफ अ गुड मोमो इज जो फिलिंग होगा आपका अंदर उसका प्रोपोर्शन, द मीट टू अनियन रेशियो हैज टू बी परफेक्ट। अगर ज्यादा मीट डालोगे, और यू नो कुछ लोग बोलते हैं मैं इतना मीट डालती हूँ, दैट्स नॉट अ गुड मोमो। ओके, उसमें प्याज चाहिए, वो उसमें वो क्या बोलते हैं, मॉइस्चर, वो जो एक जूसी लाने के लिए आपको वो राइट प्रोपोर्शन नहीं लाने से नहीं होगा, एंड द मीट हैज टू बी फैटी। सो वन कैन नॉट एक्चुअली से आई वांट अ वेरी हेल्दी, हेल्दी का मतलब है डाइट कॉन्शियस पीपल बोलते हैं मुझे आटा वाला मोमो बना दीजिए, डोमा दीदी बना दूंगी बना दूंगी, लेकिन वो अंदर वो जो मीट होगा उसमें फैट नहीं होगा तो ड्राइनेस आ जाता है। तो फैटी मीट जरूरी है। दो तीन बताए, एक तो फैटी मीट और मीट वर्सेस अनियंस का रेशो, तो अभी आप थोड़ा सीक्रेट बता देंगे वो रेशो क्या होना चाहिए? 50-50? मैं तो करती हूँ 70-30 यूजुअली, 70 कीमा और 30 अनियंस, कभी 60-40 भी हो जाता है, but then that totally depends on the texture of the meat. हाथ लगाते हैं, अब देखो मैं तो 10 साल की थी तब से मोमो बना रही हूँ, तो मैं हाथ लगाती हूँ मिक्सचर से में, तो मैं हाथ से, I don't use a spatula to mix it, I use my, मैं हाथ अच्छे से साबुन से धो के, ऐसे ऐसे धो के मैं मिक्स करती हूँ। सो वो मिक्स करने का टाइम पे वो हाथ से पता चलता है कि वो ठीक है कि नहीं। अगर घर में किसी को मोमो बनाना हो तो आपने एक तो बताया कि वो थिकनेस उसका देखना है, मीट और अनियन का रेशो देखना है, वो जब भी कभी जब परफेक्ट मोमो जैसे आपके यहाँ खाते हैं, अगर आप बाइट करें तो वो शर्ट पे कुछ गिरने को होता है कि जरूर जूस गिरेगा, दैट इज ही परफेक्ट मोमो, तो वो जूसीनेस उसमें किससे आता है? रेशो से आता है कुछ, और ऑयल वगैरह कुछ से होता है? आपको फैटी मीट चाहिए, फैटी मीट, ओके, मीट में आपको फैट चाहिए। आप अगर लीन मीट से बनाओगे तो आपका मीट मोमो जूसी नहीं होगा। ओके ओके, और आपका दिल्ली तो बाबा, देखो दिल्ली की बात नहीं करेंगे मोमो की, मुझे पता है आपको गुस्सा आ जाएगा, अपनी बात करेंगे, क्योंकि मेरे को भी आ जाता है कि कभी वो क्या आजकल कुछ कुरकुरा मोमो और वो फ्राइड मोमो और ये वो, तो लेट्स नॉट गो देयर।
ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मोमो क्वीन टाइटल कहां से आया? ये तो मुझे भी नहीं मालूम मुझे भी नहीं मालूम, ओवर द इयर्स ऐसे ही बोलने लगे और आज लोग मेरे बारे में बात करते हैं तो मोमो क्वीन बोलते हैं, और मैं हर समय बोलती हूँ कि मेरा क्राउन नहीं मिला मुझे अभी लेकिन ये है कि ये बाय वर्ड ऑफ माउथ अब इतने साल हो गए हैं तो आपको लोग मोमो क्वीन ही बोलते हैं, और आई थिंक राइटली बोलते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मैंने आपके यहाँ जो मोमोज खाया उससे बढ़िया मोमो कहीं खाया हो। और मुझे याद है कि एक बार आपने मेरे को पैक करके दिया, मेरी दोनों डॉटर्स बहुत पसंद करती हैं मुस्कान और होस्ट, तो वो तो आज भी याद करते हैं, मुझे बोलते पापा आप कैलकटा दोबारा कब जाएंगे, और वो इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं कुछ और लेके आऊंगा, वहां से मोमोज लेके आने हैं। थैंक गॉड फॉर दैट। अच्छा अब मुझे बताओ कि अब आप फूडी भी हैं, आप खुद भी शेफ हैं, आप रेस्टोरेंट्स में भी जाती हैं, अब ये चाइनीज की बात तो हो गई, अब नॉर्मल खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए और लंच करने के लिए और डिनर करने के लिए डोमो वोंग कैलकटा में कहाँ कहाँ जाती हैं? व्हाट आर योर रेकमेंडेशंस? अगर ब्रेकफास्ट करने, लेट्स स्टार्ट विद ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के लिए कहाँ जाना चाहिए? मैं खुद ब्रेकफास्ट खाने के लिए ज्यादातर बाहर नहीं जाती हूँ। अगर किसी ने कोई मेरा इंस्टाग्राम या फेसबुक इंस्टाग्राम मोस्टली फॉलो करते हैं तो देखेंगे कि मैं हर दिन क्या बोलते कष्ट करके ट्रबल रोज आती है, हाँ, कि मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी टोस्ट के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑमलेट सनी साइड अप, कभी छोले भटूरे, कभी लूची लूची सादा आलू, कभी रोटी और यू नो चने के चने काले चने, कुछ अचार, कुछ स्क्रैम्बल्ड एग्स। तो बाहर ज्यादातर मैं मुझे याद नहीं है ब्रेकफास्ट में बाहर खाती हूँ, लेकिन हाँ टेरिटरी में कभी जाती हूँ इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए या फ्रेश चाइव्स या ग्रीन्स खरीदने के लिए, मैं जरूर वो जो मैंने बोला वो मीट बॉल सूप में वो यूथियाओ डाल के जरूर खाती हूँ। तो मतलब आपका रिकमेंडेशन है कि ब्रेकफास्ट करना है तो टेरिटरी बाजार ही जाना है, मेरे घर या तो मेरे घर आ जाओ या आपके घर आना है, वो तो मेरे को आना पड़ेगा, रोज अच्छी अच्छी चीज मेरे को सुबह उठते ही देखने को मिलती है। ये हमारे बैंगलोर से लोपा घाटक है जो बोल रही है कि आपको क्राउन हम देंगे। थैंक यू लोपा, थैंक यू। अच्छा क्राउन नहीं चाहिए मुझे, आपका खाना चाहिए लोपा ये हमारी टीचर जी है बैंगलोर से, हाँ मालूम है मुझे। अच्छा मुझे बताओ लंच करने के लिए कैलकटा में कहाँ कहाँ जाना चाहिए, आपके फेवरेट रेकमेंडेशंस क्या है? सिक्स बालीगंज प्लेस, ओके, कस्तूरी, कस्तूरी, अच्छा कस्तूरी में तो मैंने सिक्स बालीगंज प्लेस में टिपिकल बंगाली खाना है, और वो कस्तूरी में टिपिकल बांग्लादेश का खाना है, और मुझे वन स्टेप अप पसंद है पार्क स्ट्रीट में, पार्क स्ट्रीट में कॉन्टिनेंटल, हाँ, चिकन टेट्रेजिनी, प्रॉन कॉकटेल, वो सब खाते हैं, तो ज्यादातर एक्चुअली मेरा वो है ना, और मुझे मुझे या तो मेरा खाना पसंद है मींस चाइनीज टिबेटन नेपाली, या तो या और दी सेकंड ऑप्शन इज बंगाली, और अगर कोई मुझे अच्छा पराठे दे तो okay. लेकिन कलकत्ता में पता नहीं राहुल अरोरा जो है जिसके पराठे वाली गली, उसका वहाँ का पराठा लाजवाब था, लेकिन फिलहाल अभी बंद है कोविड के कारण से, दो साल ऑलमोस्ट दो साल से बंद है, इसीलिए मैं सोचे कब दिल्ली आऊँ और पराठे खाऊ। एनीवे तो लंच का वो है, और डिनर पे हम लोग मुझे सरफिरे पसंद है, सरफिरे द कोस्टल कैफे, दे मेक अ वेरी नाइस, दे मेक वेरी अपम्स बनाते हैं, विंदालू बनाते हैं, तो वो सब पसंद है। अपना हैंग्लेथेरियम है जहाँ पे दिल्ली सिक्स और बिरयानी, उसका बिरयानी एक बहुत लाइट है, मैं एक बिरयानी पर्सन नहीं हूँ लेकिन वहाँ का बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा वो है सरफिरे, कहाँ पे है ये सरफिरे? इज क्या है बोलते है रजनी कुछ है, आप लोग गूगल करो सरफिरे द कोस्टल कैफे, यू विल गेट। मुझे मालूम है आलोक पन्ना और आप बहुत जाते हैं वहाँ पे, आलोक पन्ना भी बहुत जाती हैं। अपना हमारे एक सहेली है ईशानी, उनका है और हैंगेटेरियन शुनंदो बैनर्जी और उसके वाइफ का है, वो भी बहुत अच्छा है। फिर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है एक्चुअली, इसके लिए प्लीज डीएम मी व्हेनेवर यू कम, आई विल डेफिनेटली गिव यू ऑल द अदर रिकमेंडेशन, फिलहाल मुझे इतना याद नहीं है। एक दो तो और बता दो आप।
अगर हाँ ऑफ कोर्स अगर आपको पार्क स्ट्रीट में बैठ कर दारू पी के खाना खाना है तो ट्रिंकर्स जाना, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि आनंदपुरी जो प्रीवियस वो बेटा है उनका, वो उसने बहुत काम किया है और वहाँ का खाना काफी इम्प्रूव हो गया है। ट्रिंकर्स हाँ, अभी आज ही मेरी बेटी कुछ चेलो कबाब और कुछ कबाब वगैरह लेकर आ रहे हैं वहां से, सो दे मेक वेरी गुड फूड आल्सो। अगर आपको दारू पी जो पार्क होटल के बाहर ही है, पार्क होटल के नीचे नीचे हाँ वो है। फिर डिनर के लिए दूसरे जगह, एशियन फूड के लिए हम लोग कभी पहले जाया करते थे विंटेज एशिया जो JW मेरिट में, लेकिन हाँ, अभी का जो शेफ है वो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट पहले एक ताइवानी शेफ था अलेक्जेंडर, शेफ अलेक्जेंडर, एंड इट वाज रियली गुड। हाँ मुझे याद है, अभी आपने ट्रिंकर्स बोला तो मुझे ध्यान आ गया कि लास्ट टाइम यू इनवाइटेड मी टू ट्रिंकर्स और आई कुड नॉट मेक इट। You couldn't make it? I couldn't make it to Trinkas last time. I think 2 साल पहले जब मैं आया था तो last moment में मेरे को तबियत खराब हो गया तो cancel करना पड़ गया। मैं लेकर जाऊंगी आपको। अभी next time when I come, we'll go to Trinkas. अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने कैलिम्पोंग के बात किया खाने का, हमने बात किया कैलकटा के खाने का, कैलकटा में चाइनीज भी बात किया, सब कॉन्टिनेंटल और दिल्ली छह भी बात किया, बंगाली भी बात किया, आप तो दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी वगैरह भी जाती रहती हैं रेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में, तो आपके रेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी 3-4-5 जगहें फेवरेट हैं खाने के लिए? अगर मैं बोलूं तो सब लोग बोलेंगे कि डोमा अपना ही खाना पसंद है। सिलीगुड़ी में मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है द ब्लू पॉपी सिलीगुड़ी। हाँ वो तो अभी आपने लेटेस्ट खोला है वहाँ, सॉरी मैं बताना भूल गया कि मॉल में आपने खोला है सिलीगुड़ी में, प्लैनेट मॉल सिलीगुड़ी में हमने खोला है। तो अगर सिलीगुड़ी का बात कहें तो मुझे वहीं का खाना पसंद है, एंड वहाँ पे और एक रेस्टोरेंट है ढाबा वो सलूजा होटल का है ढाबा बोल के, वहां मैंने देखा कि नॉर्थ इंडियन खाना पंजाबी सरदार लोग के है, वेरी गुड खाना उसका, दाल मखनी, कबाब्स, बटर नान, कुलचे, वो बहुत अच्छे हैं। और कैलमपोंग में एक और जगह मेंशन करना मैं सोचती हूँ कि बहुत जरूरी है, देयर इज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड जाकांग, जाकांग मींस रेस्टोरेंट इन भूटानीज, तो वो एक टिपिकल भूटानीज रेस्टोरेंट है। अगर आप भूटान नहीं जा पाएंगे तो कैलमपोंग में जाके उस रेस्टोरेंट में आप खाना खाइए। बुफे वॉज कॉस्टिंग लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट, बुफे वॉज ओनली 400 रुपीज। वो आपको दिल्ली में मिलेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता, 400 रुपीज में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। वो बुफे है, बुफे है, वेज, राइस, नूडल्स, चिकन, पोर्क, सब कुछ। तो प्लीज विजिट देयर। ओके, और दार्जिलिंग में देखो, दार्जिलिंग फॉर मी इज ऑल अबाउट नॉस्टैल्जिया बिकॉज़ आई वेंट डिड माय हाई स्कूल इन दार्जिलिंग। उसके बाद मैं दार्जिलिंग इतना नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स जो दार्जिलिंग में थे सब लोग इधर उधर बिखर गए आफ्टर हाई स्कूल, सो फॉर मी दार्जिलिंग इज नॉस्टैल्जिया। नए नए जगह के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन ब्रेकफास्ट अगर दार्जिलिंग में खाना है तो केविंटर्स में जाना है, वो मेरे लिए नॉस्टैल्जिया है। वहां पे एक हॉट डॉग मिलते हैं जो एक हॉट डॉग नहीं है, वो एक हॉट डॉग बन में सॉसेज का अंदर फ्राई करते हैं, सॉसेज के अंदर वाला सामान फ्राई करके उसको उसमें स्टफ करके पूरा ग्रीजी ग्रीजी तेल में दो तरफ फ्राई करते हैं, उसको हॉट डॉग बोलते हैं। और दैट्स माई फेवरेट, प्रोबेबली बिकॉज दे ऑलवेज से कि फूड इज मोर अबाउट नॉस्टैल्जिया। Oh yes. So, मतलब केविंटर्स में जाके और वो हॉट डॉग जो हॉट डॉग नहीं है वो जरूर खाना है, वो एक बार खा के देखो भाई, मुझे तो बहुत पसंद है। और ऑफ कोर्स ग्लेनरीज है, रात शाम को ग्लेनरीज में जाइए आप, अच्छा से लाइव म्यूजिक सुनिए, वहाँ का कॉन्टिनेंटल खाना खाइए। और लंच के लिए यू कैन गो टू कुंगा, कुंगा इज अ टिबेटन रेस्टोरेंट जस्ट बिलो प्लांटर्स क्लब। ओके, प्लांटर्स क्लब के लिए, ओके। हाँ, ट्रांसलेस क्लब के ठीक नीचे है, कुंगा बोल के सभी जानते हैं उसको। हाँ, एक छोटा सा तिब्बतन रेस्टोरेंट है, वह मोमो ऑन ऑर्डर बनाते हैं। और अगर अगर मुझे कहीं और का मोमो पसंद है तो वही का है। ओह, दैट्स अ रेवोल्यूशन। मतलब दार्जिलिंग में प्लांटर्स क्लब के नीचे एक छोटा तिब्बतन रेस्टोरेंट है, वहाँ के मोमो आपको पसंद है? तो वहाँ तो फिर अब जाना, जब दार्जिलिंग जाना तो वहाँ से मोमो जरूर खाना, लेट मी ट्राई कि वो कैसा है जो आपने उसको एकदम सर्टिफिकेट दे दिया है। अच्छा, और कैलिम्पोंग में अगर मोमो खाना है तो लेट मी टेल यू, चिकन विकन मोमो इतना अच्छा, चिकन पॉप वगैरह आई डोंट नो दैट वेल, बट देन यू नो अगर कैलिम्पोंग में स्ट्रीट में
आप वेज मोमोज खाएंगे ना ठंड के मौसम में बाजार में चार पांच औरत वेजिटेरियन मोमो बना रहे और गरम गरम निकाल के आपको चटनी के साथ देते हैं, तो यू नो दैट मींस वो तो वाकई अच्छा है कि अगर डोमा वांग वेज मोमो की बात कर रही है, जो मैंने कभी मेरे को पसंद नहीं आता वेज मोमो, बट आप वेज मोमो की बात कर रही है तो आई थिंक दैट इज सुपर्ब। या इट्स ओनली बंद गोभी, आई कॉल कैबेज एंड अनियंस, बट इट्स सो गुड, सो गुड। ओके, अच्छा आपको याद है जब आप दिल्ली आए थे मेरे साथ, मेरा फ्रेंड गोविंद शर्मा, हाँ, तो गोविंद पूछ रहे हैं आपसे कि ये बताओ कि कैलकटा में घुगनी, अच्छी घुगनी कहाँ मिलेगी बढ़िया वाली। अरविंद मेरे घर आ जाए यार, मैं ही बना के खिलाती हूँ। घुगनी रास्ते में ऐसे भी मिलते हैं, यू नो बहुत। अरे हम लोग उस दिन दो साल पहले आए थे, हम लोग शाम को घूमते रहे, हमको कहीं घुगनी नहीं मिली। नहीं, नेक्स्ट टाइम आओगे तो आलो परना शायद लेकर जाएगी। अच्छा आलू पन्ना लेके जाएगी। टू मच, हम कर, आई नो व्हाट, मैं बताती हूँ उसको। हाँ ये बात ठीक है, आलू पन्ना को पकड़ेंगे वो हमको। गोविंद अगली बार चलेंगे आलू पन्ना के साथ, वो घुगनी खिलाएंगे हमको सड़क पे। या हम भी बना सकते हैं। अच्छा आप भी बनाएंगे? नो, मैं बंगाली हूँ। अच्छा अभी चलते चलते मेरे को लास्ट में दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि आप जब घर में, मतलब जब आपका मूड होता है कि आज कुछ अच्छा बनाना, तो आपकी फेवरेट डिश कौन सी है जो आप खुद बनाते हैं अपने किचन में? Any prizes for guessing? Momos. मुझे अगर या मेरा special most favorite मैं घर पे बनाती हूँ या मैं कहीं भी। I think आपका, मेरे को लगता है internet connection में थोड़ा problem आ गया है। एक मिनट लगेगा इनको वापस आने में। मैं इन द मीनवाइल अगर डोमा सुन रही हैं तो मैं बता देता हूँ कि दो क्वेश्चंस आए हैं। पहला तो किसी ने पूछा कि नेपाली फूड जो है वो क्या स्पाइसी होता है, ये हमारे पूछ रहे हैं जिनको मैं बहुत प्यार से प्रभु जी बोलता हूँ, मेरे गॉड प्रभु जी वासुदेव प्रभु पूछ रहे हैं कि इज नेपाली फूड स्पाइसी। आई थिंक डोमा के कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गया है, वो ऑफलाइन चली गई हैं। हम वेट करेंगे, आई थिंक शी विल कम बैक। उनके मुझे लगता है कि वहाँ बारिश बहुत हो रही है आज, जोमा ने मेरे को शुरू में बताया था कि बारिश हो रही है और उनके इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी 35-40 मिनट ठीक से चल गया। दो मिनट बात करते हैं, आई थिंक शी विल बी बैक। तो प्रभु जी आपका क्वेश्चन मैंने ले लिया है कि नेपाली फूड स्पाइसी होता है कि नहीं, डोमा आएंगी तो उनसे पूछेंगे। दूसरा वेज मोमोज आसिम श्रीवास्तव ने पूछा, आई थिंक वो तो हमने बात कर ली है कि वेज मोमोज भी होता है। ये दो क्वेश्चन अभी मोमो, अपना मोमो क्वीन डोमा वांग वापस आती हैं तो हम बात करते हैं। मुझे आज अच्छा लगा कि हमको मोमोज की टिप्स मिल गई उनसे कि मीट और अनियन के रेशो क्या होना चाहिए, और अगर उसमें जूसी आने के लिए, वो जो जूसी इफेक्ट होता है उसको लाने के लिए हमको उसके अंदर मीट जो है वो लीन मीट नहीं चलेगा, फैटी होना चाहिए, तभी वो जूस उसके अंदर आएगा। और तीसरी उन्होंने टिप बताई कि ये जो बाहर की स्किन है ये इसका एकदम जो थिकनेस है वो ना तो बहुत ज्यादा थिक होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा थिन होनी चाहिए, थिन होगा तो टूट जाएगा और बहुत थिक होगा तो टंग में मैदे का वो टेस्ट आएगा, विच इज एक्चुअली अ रॉन्ग थिंग। डोमा इज बैक। कोई बात नहीं, आपके पीछे हमने क्वेश्चन एक लिया, वासुदेव प्रभु पूछ रहे हैं कि नेपाली फूड क्या स्पाइसी होता है। नेपाली लोग स्पाइसी खाते हैं। okay. आलूदम जो होता है हमारा नेपाली स्टाइल का, उसमें इतना स्पाइसी का मतलब मिर्ची ज्यादा होता है लेकिन मसाले इतना ज्यादा नहीं होता है। okay. तो by spicy you could either mean मिर्ची वाला स्पाइसी या मसालेदार वाला। मसाला बहुत कम यूज होता है नेपाली खाना में लेकिन मिर्ची जरूर यूज होती है। okay. पीस के डालना है। अच्छा फिर मोमोज की बात करते हैं, जो कि घर में जब लोग मोमो बनाते हैं, चलिए वो आपने जैसे बताया कि वो स्किन भी ठीक से थोड़ा सा बन जाएगा और वो जो आपने रेशो बता दिया, फैट बता दिया, वो सब भी हो जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, वो जो मोमो को जब वो पैक करते हैं, मैंने आपका एक वीडियो एक बार देखा था, आपने एक ट्रिक बताया था उसको पैक करने का, वो सब लोगों के बस की वो पैक करना नहीं है, उसका एक वो ट्रिक क्या है, एक बार दोबारा सब व्यूअर्स को बता दें आप।
पैक करने का, हाँ हाँ वो जो वो उसको ट्रिक है, वो ट्रिक क्या, ट्रिक क्या वो वहां पे ट्रिक का है, वो आपको ओवर टाइम सीखना पड़ता है। हाँ मैंने यस देखा है लोगों ने, लोगों लोग बहुत कोशिश करते हैं एंड हाँ मुझे बोलते कि डोमादी नहीं हुआ। बाय द वे मोमो क्वीन के अलावा मुझे डोमादी भी बोलते हैं, और मेरे दोस्त बोलते हैं कि कलकत्ता में ममता दी के बाद डोमादी है। डोमा दी है सो टू मेक द राइट शेप ऑफ द मोमोस यू नीड, आई थिंक यू नीड टू प्रैक्टिस। लेकिन उसमें एक ट्रिक जो आपने मेरे को बताया था, मैंने आपके वीडियो में देखा कि उसका एक तरफ का स्किन को स्टैटिक रखना है, दूसरी तरफ के स्किन को फोल्ड करना है, ऐसे ऐसे करके पकड़ना है। कैन यू सी, ऐसे या करके पकड़ना है, ये वाला उंगली अंदर डालना है और ये हाथ से इस साइड से आपको ये वाला मूव करना है, ये मूव करना है, और ये साइड को आपको मूव नहीं करना है। ऐसे करके लास्ट में ऐसे करना है। तो नेक्स्ट टाइम हम बनवा के दिखाएंगे, इस बार तो मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये एक मोहम्मद शाकिब हैं, आई डोंट नो आप आंसर कर पाएंगे कि नहीं, बट ये कह रहे हैं आई वांट टू नो बेस्ट रेस्टोरेंट फॉर मटन हलीम, कैलकटा में हलीम अच्छा कहाँ मिलता है? आपको हलीम कौन सा हलीम चाहिए? आपको वो जो रेगुलर दाल में डाल के कलकत्ता स्टाइल हलीम, या आपको हैदराबादी हलीम? नहीं, कलकत्ता स्टाइल हलीम। कलकत्ता स्टाइल हलीम मैंने अच्छा खाया है, अरसलान में, अरसलान शिराज में, सूफिया में। सवेरे सूफिया जाना पड़ता है 3 बजे सवेरे, तो वहां मिलता है। और हैदराबादी हलीम मैंने पहले बार खाया था। लेट मी टेल यू दिस स्मॉल थिंग, मैंने पहले देखा था वो पिस्ता क्या क्या वहां का हलीम, तो देखने से मुझे लगता था मैं तो नहीं खा पाऊंगी, देखने में कैसे गुई गुई लगता है। लेकिन मुझे ईशानी प्रियदर्शनी ने सर फिरे में खिलाया, अच्छा, और उसके बाद मैं फैन हो गई। हाँ। और मैं क्या करती हूँ, वो टोस्ट लेती हूँ, उसके ऊपर वो हलीम जैम की तरह लगाती हूँ, और हमारे वहां के एक मिर्ची मिलती है डल्ले कुर्सानी बोल के, विच इज वेरी सुपर हॉट, उसको छोटे छोटे काट के उसके ऊपर स्प्रिंकल करके खा लेती हूँ, एंड देन दैट्स लाइक ब्लिस। सो जिसी ने भी पूछा अगर कलकत्ता आते हो और हलीम खाना है तो डीएम मी, आई विल कनेक्ट यू टू ईशानी। और वैसे आपने बताया आर्सलान में मैंने हलीम खाया, उनका अच्छा है, शिराज में अच्छा है, और वो जो सूफिया आपने बताया, वो जो वो नकोदा मस्जिद के सामने, मैं सुबह सुबह 5 बजे 5:30 बजे जाके वो निहारी खा चुका हूँ, वहां पे बहुत बढ़िया बनाते हैं वो। वो तो एक्सपेक्टेड है कि जहाँ अच्छा खाना मिलता है आप जाओगे। आप मेरी तरफ से ईशानी को जरूर मैसेज दीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम कमिंग टू कलकत्ता आई एम पक्का गोइंग टू सर्फिर। मैं ईशानी को बोलूंगी हम साथ जाएंगे राजेश। हाँ, साथ जाएंगे पक्का, क्योंकि मुझे दिल्ली फिर जाना है ना। हाँ, दिल्ली तो आपका स्वागत है, आप हमेशा कभी भी आइए, आपकी बहुत सारी जगह अभी बाकी हैं जो आपको लेके जाना है मेरे को। जयपुर ट्रिप पे, हाँ जयपुर, तो अनिल राज, अभी अनिल राज कपूर ने इस पे लिखा है कि ये आपकी बातचीत सुन के उनको ऐसा लगा, तो वो उन्होंने एकदम से वो फ्रिज में कुछ फ्रोजन मोमोज रखे हुए थे, फटाफट निकाल के अभी उन्होंने स्टीम कर लिए। इसे बात सुनते सुनते मेरे को मोमो खाने की इच्छा हो गई, बट सैडली फ्रोजन खा रहे हैं। ये एक मेरे, आई विल टेक दिस लास्ट क्वेश्चन, के मेरे एक दोस्त है राजीव सूटा, वो पूछने दिल्ली से ही है कि मोमो शुरुआत कहां से हुई थी, कि उसकी कोई हिस्ट्री है या अपने आप एक दिन अचानक किसी ने मोमो बना दिया? मोमो इज अ टिबेटन डिश। हां, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ डिबेट अबाउट इट, बट देन मैं स्ट्रांगली बोलूंगी तो मोमो टिबेट का खाना है, टिबेट में बना था, और टिबेट अपना नेपाली नेवारी ट्रेडर्स ने तिब्बत से नेपाल लाया, तो नेपाल में भी मोमोज बनते हैं। आप नेपाल में एक थोड़ा सा डिफरेंट है कि मसाला वगैरह डालते हैं, तो इट्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल टिबेटन मोमो, बट टिबेटन मोमो इज डेफिनेटली टिबेटन। यस डोमा, आपने इतना टाइम हमको दिया, और मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ और अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। मैंने शुरू में बोला था कि एक चीज स्पेशल है जो मैं शाम अपने शो के लास्ट में बताऊंगा। स्पेशल ये है, डोमा टुडे यू हैव प्रूव्ड, 1, यू हैव लव फॉर फूड, 2, यू आर अ रियल 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 फ्रेंड। मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि आज सुबह तक भी डोमा की तबीयत इतनी खराब थी, कल रात को इतनी खराब थी कि बात भी नहीं कर पा रही थी, और आज सुबह भी खराब थी, पर इन्होंने मेरे को व्हाट्सएप किया कि राजेश तुमको मैंने वर्ड दिया, आई विल कम डेफिनेटली फॉर योर शो, मुझे कुछ भी करना पड़े। आई डोंट नो शी वुड हैव मेड द लाइफ ऑफ हर डॉक्टर हेल,
बहुत मेडिसिन खा के दोपहर में 2 बजे इन्होंने मेरे को अपना कैमरा पे शक्ल दिखाया और उस समय भी हालत खराब थी, बट देन शी सेड कि सिंस यू हैव बिल्ट इट अप सो मच, ऑलरेडी फेसबुक वगैरह पे चल रहा है, मैं शो जरूर करूंगी। तो डोमा थैंक यू वेरी मच, दैट इज द स्पिरिट, आई मस्ट थैंक यू सो मच कि बीमार होते हुए भी आपने इतनी एनर्जी के साथ शो किया, मुझे पता अभी आप जाके रेस्ट करेंगी। और दूसरा स्पेशल इसलिए कि डोमा ने आज शायद 2 महीने के बाद मेरे को बोला कि मैंने काजल लगाया और कैमरे के सामने आई हूँ, 2 महीने से ना तो ये किसी फेसबुक पे आ रही थी ना लाइव पे आ रही थी बिकॉज माहौल ऐसा था। तो डोमा थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस स्पेशल। तो आई थिंक थैंक यू सो मच आपके लिए भी आपको याद रहेगा आज के, आज ही के दिन ब्लू पापी थोकाली दोबारा शुरू हुआ और आज ही के दिन आप हमारे शो में पहली बार 2 महीने के गैप के बाद आई। And I must say thank you very much. Despite your being unwell, you did this. Thank you very much. Delhi is awaiting you as I am awaiting and other my friends are awaiting you. Aapka bahut bahut swagat hai. And thank you very much. Thank you, Rajesh. It was a great pleasure being here. मैं कुछ क्षण के लिए भूल गई कि मैं बीमार हूँ। सही बात। मेरे बच्चे बोलते हैं कि मामा कैमरा आते ही आप लाइवली हो जाते हो। तो ये है ये प्यार, क्योंकि सबका प्यार है हमारे साथ और मोर इम्पोर्टेंट लव फॉर फूड। यस, लव फॉर फूड। सो व्हेन यू टॉक अबाउट फूड यू फॉरगेट यू आर अप एंड अराउंड। यस, एंड थैंक यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। यस, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी टू हैव बीन एबल टू टॉक टू यू ऑल टुडे। एंड स्पेशल थैंक्स टू डियर सोनम हु डिड ऑल दिस टेक्निकली सेटअप, बिकॉज़ अब वो नहीं होती तो शायद हम शो नहीं कर पाते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। सो ये थी डोमा वॉन्ग कैलकटा से और बहुत ही अमेजिंग बातचीत रही। तबीयत उनकी बहुत खराब थी, मैंने शुरू में आपको बताया नहीं और आपको लगा नहीं होगा कि उनकी तबीयत खराब है, बहुत काफी तबीयत खराब थी। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, डोमा बैक स्टेज है, मेरी बात सुन रही है, मेरी डॉटर है मुस्कान बड़ी वाली, वो भी लिख रही है कि आपके मोमो 2 साल पहले खाए थे और अभी उसके लिए वो अभी भी थैंकफुल है और वो टेस्ट उनको अभी भी याद है और वो मुझसे बोल रही है कि पापा व्हेन आर यू गोइंग बैक टू कैलकटा। सो दिस वाज डोमा वॉन्ग एंड दैट इज द स्पिरिट ऑफ द मोमो क्वीन। देखिए सारी अपनी टेक्निक्स भी हमको, ट्रिक्स भी बता गई एक अच्छा मोमो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच आप लोग को। मैं अगेन, मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं थैंक्स करूँ राहुल वधावन मेरे दोस्त का जो टेक्निकली इसको हैंडल करते हैं पूरा बैक स्टेज। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जीजो इब्राहिम का जो मेरे बैनर्स वगैरह डिजाइन करते हैं। थैंक यू है ओस तारा का, मेरी छोटी डॉटर का, जो मुझे सपोर्ट करती है पूरा कॉन्सेप्चुलाइजेशन में। श्रद्धा गुलाटी ऑफ री इमेजिन ट्रैवलिंग एंड अनिल राज कपूर एंड उमा इसाबेल फॉर स्पाइस ट्रेल्स, क्योंकि वो उनके दोनों पेजेस पे भी ये लाइव शो चलता है। और मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल हूँ अपने क्रिटिक्स का, मेरे 2-3 दोस्त मेरे बड़े अच्छे ऐसे हैं जो मेरे को बहुत क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं, हर शो के बाद फोन करके मेरे को बताते हैं आपने ये ठीक नहीं किया, अगली बार ये ठीक करिएगा। तो मेरे क्रिटिक्स का भी थैंक्स है। नेक्स्ट वीक हम कलकत्ता से थोड़ा सा और आगे ट्रेवल करेंगे और कलकत्ता से जाएंगे भुवनेश्वर उड़ीसा। उड़ीसा के क्विजीन के बारे में हमारी एक और दोस्त हैं, अपने आप में आई वुड से सेलिब्रिटी हैं, उड़ीसा के क्विजीन के उड़ीसा उड़िया रेसिपी क्यूरेटर हैं। अब क्योंकि निफ्ट की ग्रेजुएट हैं तो वो ड्रेस डिजाइनर भी हैं और फिल्म इंडस्ट्री में एसोसिएट प्रोडक्शन प्रोड्यूसर भी हैं, फिल्म्स भी प्रोड्यूस करती हैं। उनका नाम है बर्नाली रथ। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा गूगल करिए, उनके बारे में बहुत कुछ आपको जानने में मिलेगा। तो हमारे अगले शो में बर्नाली रथ हमारे साथ होंगी अगले शुक्रवार को। सो अगले शुक्रवार को फ्राइडे फिएस्टा एट 7 PM पावर्ड बाई मैजिक ऑफ फ्लेवर्स बाई राजेश तारा में हम बातचीत करेंगे उड़िया कुजीन के बारे में बर्नाली रथ से। अगले हफ्ते अगले शुक्रवार को ठीक 7 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन।